शर्मा जी, हमारी विधायक रही, अभी पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका गुर्जर जी, हमारी जिला प्रमुख सरोज बंसल जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र बराना जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सम्माननीय प्रभुलाल सैनी जी, टोंक से पूर्व विधायक भाई अजीत मेहता जी, देवली उनियारा से हमारे विधायक भाई विजय बैसला जी, या टोंक के प्रभारी पंकज वाल्मीकि जी, जयपुर शहर के प्रभारी नरेश बंसल जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री चंद्रवीर जी, पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी जी, प्रभु बड़ोलिया जी, महामंत्री विष्णु शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, युवा साथियों और मेरी ये माता बहनों, जिनको कि मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं आप सभी को। मैं डिग्गी कल्याण जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विकसित भारत संकल्प शिविर में आप देख रहे हो, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की यह गारंटी वाला रथ है, आपके बीच में आया है और आपके बीच में आकर के आपको जो विश्वास है, आपके मन में उनके प्रति जो भाव है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं, इस तरह की गारंटी वाला ये रथ आपके बीच में आया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने देखा कि बहनों का जो स्वयं सहायता समूह है 51 लाख रुपए का चेक उनको दिया कि किस तरह से हमारी बहने जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारी बहनों के लिए, और कहते हैं लखपति दीदी, आज भी उन्होंने पीसी के अंदर कहा कि मैं इस देश के अंदर कम से कम 2 करोड़ बहनों को लखपति देखना चाहता हूं, लखपति बनाना चाहता हूं। आप देखिए कि हमारी जो बहनें जो अपने घर का काम करती थी, मजदूरी करती थी, कहीं किसी के यहां काम करने के लिए जाती थी, उन बहनों से जब पूछा तो उन बहनों ने नौकरी नहीं और बहनों को सहयोग में लेकर के एक बड़े बड़े काम करने का जो सौभाग्य मिला है, ये देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का कमाल है। मैं आज इस गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिविर में आते हुए निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इस यात्रा में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसमें यही नहीं कि जो हमारी योजना है उन योजनाओं की क्रियान्वित कितनी हुई है, हमें कितने लोगों को लाभ मिला है, इसका मूल्यांकन भी करना है, और इसका मूल्यांकन करने के बाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना थी, जिसको 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस गरीब कल्याण को लेकर के और गरीब के कल्याण की